एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ कार्तिक एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल पहाड़ वाला। सो गाइज, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आपका दिवाली का व्लॉग नहीं आया। एक्चुअली दिवाली वाले दिन सुबह हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हमने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की, और उसके बाद भी जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो भी सेलिब्रेट नहीं किए, तो करके फिर व्लॉग भी नहीं बना पाया। लेकिन अभी मैं तैयार हो गया हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट तक, जो हमारी निजी की ही मार्केट है, मतलब मेरे घर से 5 मिनट लगते हैं मार्केट के लिए, तो वहाँ जा रहा हूँ। थोड़ी सी शॉपिंग सी करनी है, मतलब कुछ लेना है, तो चलते हैं। आज मैं आपको निहरी की मार्केट दिखाता हूँ। आज से पहले मैंने कभी निहरी की मेन मार्केट आपको ऐसे नहीं दिखाई है, सिर्फ एक शायद विलेज टूर था उस पर ही दिखाई थी, तो चलते हैं। तो यहाँ से हमारी जो है मार्केट शुरू होती है एक तरह से। ये जो प्लेस है, ये है मोड़, मतलब यहाँ पे गाड़ी मुड़ती है, मतलब गाड़ी क्या बस, मतलब मेनली। तो ये एंड पॉइंट है हमारी मार्केट वाली सड़क का। और जो ये ऊपर आपको घर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हमारा इधर बाज़ार वाला घर है। यहाँ कोई रहता नहीं है, बस पापा की शॉप है। और जो आपको ये ग्रीन सी छत वाली दिख रही है, ये स्कूल की बिल्डिंग है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं ऐसी छोटी मोटी सी, और मेन मार्केट है आगे। यहाँ से आगे जो आपको मार्केट दिखाई दे रही है, ये अभी कुछ ही सालों में बनी है, बट कुछ शॉप्स यहाँ पे बहुत पुरानी है। और यहाँ को कहा जाता है कंपनी, आई डोंट नो क्यों, बट कंपनी कहा जाता है। अभी आगे है जो मेन शॉप्स हैं, वहीं से मुझे कुछ लेना भी है। ये कंपनी की मेन शॉप्स, ये वाली लाले बोले जाते हैं, ये यहाँ की मशहूर। और यहाँ पे भी है कुछ शॉप्स, और यहाँ से आगे भी है मार्केट का, है ना, वो बहुत सारी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ से आगे भी एक मार्केट है, तो जहाँ को कुटी नाला कहा जाता है, अगर मैं उस साइड गया तो फिर दिखाता हूँ। और ऊपर भी है मार्केट, और एक जो मेन मार्केट है वो इस पहाड़ी की दूसरी तरफ है, काफ़ी है देखिए। और ये ऊपर है हमारा दुर्गा माता का मंदिर, ये ऊपर है दुर्गा माता का मंदिर। और काफ़ी न्यू न्यू बिल्डिंग्स बन रही है हमारे, देख सकते हो, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है काफ़ी सारा। मैं साथ साथ में ही अपनी असाइनमेंट का वर्क भी कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मुझे जो है वोट के लिए अवेयर करना है यहाँ पे गांव में, जो कि हमारे को डिपार्टमेंट के द्वारा बोला गया है करने के लिए। तो अभी मैं शॉप में अंदर हैं लोग, उनको अवेयर करूँगा। तो मैं दिखाता हूँ, मैंने एक पोस्टर बनाया है, पूछिए, मैंने एक पोस्टर बनाया है, तो आप लोग भी वोट ज़रूर दें, क्योंकि आने वाले हैं हिमाचल में वोट, तो आप सभी मतदान ज़रूर करें। मैं ले रहा था शूज़, बट आई एम सो कन्फ्यूज्ड, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, बट मुझे ये अच्छे लग रहे हैं वैसे, देखते हैं। तो ये है हमारी यहाँ पे कुटी नाला की जो है मार्केट, छोटी सी, आजकल शॉप्स बंदी दिख रही है मुझे। और यहाँ को इसलिए बोला जाता है कुटी नाला, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोलते कि एक कुटिया थी साधु बाबा की, तो नाला भी था साथ में, तो कुटी नाला हो गया। में अग्निशमन विभाग की, मतलब ये भी एक खुल गई है कुछ टाइम पहले ही। और यहाँ से आगे जो जो है मतलब एरिया आता है, उसको बोलते हैं रंगोड, वो पता नहीं क्यों बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे से गांव में नाम होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर 2-4 घरों के, तो वैसे ही। और यहाँ पे भी देवता जी का मंदिर भी है, एक छोटा सा दिखाता हूँ। ये हमारे यहाँ पे एक सुंदर सा कैफ़े है, जो कि नया नया खुला है, काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं गया था एक बार अंदर। और ये हमारा डिग्री कॉलेज निहरी का सुंदर सा, और ये हमारा यहाँ पे पुराना होटल है, एक होटल जयश्री। तो काफ़ी कुछ है, अगर आप निहरी आना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, काफ़ी अच्छी आपको सर्विसेज मिल जाएगी यहाँ पे। मेन मार्केट अब निहरी की बनी है, वो है उधर फेगड़ू में, क्योंकि मतलब वहाँ से जो है मेन रोड आता है, और ये फिर नीचे वाला रोड है जो हमारे बाज़ार को आता है। ये हमारे यहाँ पे वीडियो ऑफिस, और मम्मी गई है अभी ऑफिस में, तो अभी बाहर आ रहे हैं। और ये हमने शॉपिंग करी, शूज़ वगैरह, मम्मा ने, मम्मा को, मेरे को, तन्मय को, पापा को, सबको। और अभी जो है धूप भी उड़ने वाली है,
तो ये है नेक्स्ट डे, और कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया आने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा काम था हमारे को घर में भी, और अभी भी जो है पेंटर्स और सब लगे हुए हैं काम पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो हमने लहसुन बीजा था, अगर आपको याद हो शिमला जाने से पहले मैंने बीजा था, वो छोटा छोटा सा लग गया है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा काम है करने को। तो ये अभी सेब हमने नहीं तोड़े हैं, क्योंकि इनको तोड़ा जाता है नवंबर और दिसंबर में, और क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये कुछ अलग वैरायटी होती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। अभी तो ये थोड़े खट्टे से होंगे शायद, अब तो मीठे भी हो गए होंगे क्योंकि नवंबर तो लग ही गया, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अप्रैल माह मई तक हम इनको खाते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ यही है, एक ही पेड़ है जिसमें ये लगाए हुए हैं, बट अभी मैंने सोचा है कि और भी लगाऊंगा ऐसे बहुत सारे। तो यहाँ पे एक खीरा है, इस खीरे को निकालते हैं क्योंकि मैंने जाना है शिमला भी, तो ये ले जाऊँगा। यार कैसे निकालूँ इसको। तो ये है राजमा की फलियाँ, देखिए कैसे लाल है ये, और इसके अंदर होंगे राजमा। तो अभी तो ये हैं हरे, अभी इनको निकालेंगे। और ये है हमारा खट्टे का पेड़, न गलगल का, वैसे बर्फ़ से हम इसको बचा के रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंड होती है, फिर भी लगा है पर अभी तक इसने फ्रूट नहीं दिए हैं। और अभी वहाँ पे भी है नीचे और कुछ कुछ, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक खीरा है, ये ना पक गया हुआ है तभी ये लाल हो गया है, और ये बहुत बड़ा सा है, ये रखा होता है बीज के लिए, तो ऐसे होता है। और ये देखिए हमारा महल, यहाँ पे देखिए फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, दिवाली के टाइम पे बहुत फूल होते हैं, सारे में फूल ही फूल दिखेंगे आपको। ये मेरी क्यूटी पाइस घास खाती हुई, चलते हैं फिर परे की तरफ। चारों तरफ आप देख सकते हो बिट्ठू ही बिट्ठू है लगा हुआ, जो ये है ना ये बिट्ठू के वो है, पर अभी तक ये पका नहीं है सारे में। और आगे है हमारे लहसुन, तो ये उस दिन हमने बीजा था और छोटा छोटा सा अभी लग गया है। यहाँ पे है राजमा, देखिए ये देखिए ये फिर उगना स्टार्ट हो गया, जैसे ये देखिए ये हमारा लहसुन जो है लग गया है उधर परे तक, और इधर को धनिया बीजा था जो कि छोड़ थोड़ा थोड़ा सा लगना स्टार्ट हो गया है। और ये हमारे सेब के नीचे पौधे आप देख सकते हो, हमारे सामने का व्यू देख सकते हो। और ना ये जापानी फल है, जापानी फल का वो है ये क्या बोलते उसको पेड़, इसमें दिखाता हूँ अगर होंगे, क्योंकि वैसे तो अभी ख़त्म ही हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। तो ये लास्ट व्लॉग था गांव का, अब आएंगे शिमला के कुछ व्लॉग्स, और फिर उसके बाद जब छुट्टियाँ होगी तो मैं फिर से आऊँगा घर, तो फिर घर वाले व्लॉग्स। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।